अतोरोराप्लुतादप्लुते असी च भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि हलि सर्वेषां रोषुपि रोरी ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः विप्रतिषेधे परं कार्यं एतत्तदोहो शूलोपो कोर नया समासे हलि अशुद्ध बोल रहे ये तत्तदोहो शूलोपो कोर नया समासे हलि लोपे नहीं लोपो ये तत्तदोहो शूलोपो कोर नया समासे हलि हाँ सूत्र है विधि सूत्र ये प्रथमा एक वचन सुप्रत्यय आता है कि नहीं वो सुप्रत्यय का लोप होगा ये बोलते हैं सुप्रत्यय का सकार रहेगा सात विभक्ति है ना सात विभक्ति एक विभक्ति में तीन तीन वचन होते हैं प्रथमा विभक्ति की में तीन वचन सु और जस ये आएगा वो ये सु जो प्रथमा एक वचन है सु के सकार का लोप होगा ये बोल रहे हैं ठीक है किसका सकार बोल दिया किसका सकार कहा एतत् शब्द का और तत् शब्द का एतत् शब्द के बाद सु का सकार आएगा अथवा तत् शब्द के बाद सु का सकार आएगा उसका लोप करेगा समझ में आया ना और एतत् और तत् शब्द हाँ सुनो इदमस्तु सन्निकृष्टे इदमस्तु सन्निकृष्टे और क्या है स्वाईप तरावर्तिनी चैतदूरूपम अधशस्तु भी प्रकृष्टे तदिति परोक्षे बीजानी कल पहले बताया था मैंने इदम शब्द का प्रयोग समीप पास में वस्तु इदम शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा वस्तु पास में हो तो उसी के लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है समझ में ना अयम अयम बालक समझ में आया इदम शब्द का प्रयोग कहाँ पर पास में होते हाँ समीप इदमस्तु सन्निकृष्ट सन्निकृष्ट वस्तु के लिए किस पर शब्द का प्रयोग इदम शब्द का प्रयोग किया जाए ठीक है हाँ इदमस्तु सन्निकृष्ट और समीपतरावर्ती और उससे और नज़दीक हो एक पास हो ठीक है इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरावर्तनी चैतद्वरूपम एता शब्द का ऐसा शब्द का तो पास में और पास में किस शब्द का ऐसा शब्द का समझ में ना जैसे यहाँ पर आया ऐसा विष्णु ऐसा बालक ऐसा हो जाएगा समझ में आया उसके बाद कहा अधशस्तु विपकृष्ट अध शब्द का प्रयोग हो कहाँ पर होगा वस्तु यदि दूर में हो क्या है वस्तु यदि दूर में हो तो किस शब्द का प्रयोग होगा अधस किसका अधस हाँ तीन हो गए और तदिति परोक्ष बिजाना जो वस्तु परोक्ष हो मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ना हो इंद्रिय का संबंध ना हो जिससे उसमें किसका होता है तत् किसका होता है तत् शब्द का प्रयोग होता है चार हो गए इदम शब्द का प्रयोग पास में हो पास वाली वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग ठीक है एतत् शब्द का प्रयोग और नज़दीक पास ज़्यादा नज़दीक हो है ना अत्यधिक नज़दीक में किसका होगा एतत् शब्द का होगा और अधस दूर में हो तो अधस क्या है दूर में हो ठीक है अत शब्द का प्रयोग जो परोक्ष हो मतलब इंद्रिय का जो विषय न हो उसमें किसका प्रयोग होगा तत्
शब्द का हो गया। चलो आगे और भी आएगा, तो इतना हो गया। इस सूत्र की वृत्ति होगी कि सब पूरी नहीं हुई। अनय समास किम है, क्या कह रहे हैं, कोई पूछ रहे हो क्या राजू? देखो फिर, हाँ वही अनया समास किम बोलो। हाँ देखो सूत्र में अनया समास बोल दिया, मतलब नए तत्पुरुष समास में हो तो नहीं होगा, ये सूत्र नहीं लगेगा है। सूत्र में यदि अनया समास यह पद न कहते, सूत्र में अनया समास ऐसा पद यदि न कहते, ऐसा पद यदि न कहते, ऐसा पद यदि न कहते तो नया तत्पुरुष समास में भी, नया तत्पुरुष समास में भी यह सूत्र लग जाता, यह सूत्र लग जाता, जिससे कि अशुद्ध रूप होता, अशुद्ध रूप होता, अशुद्ध रूप होता, जैसे दृष्टांत असह प्लस शिव, असह प्लस शिव, ठीक है। यहाँ पर लिखो अस के बाद सकार लिखो, अस इसके बाद दंत सकार, उसके बाद शिव। तो यहाँ पर जो अस है ये तत्शब्द का है, किसका है, तत्शब्द का समास होने पर अस हुआ है। लिखो तत्शब्द का नए तत्पुरुष समास में, तत्शब्द का नया तत्पुरुष समास में अस होता है, अस होता है, ठीक है। न सह असह ऐसा होता है, मतलब वह जो नहीं, सह का मतलब वह और अस का तो वह जो नहीं है, वह जो वह नहीं, ये अर्थ होता है, ठीक है। तो सूत्र में अन समास नहीं कहते तो अस के बाद जो दंत सकार है, ये दंत सकार जो है ना आगे अस के बाद दंत सकार लिखे हो, वो सु का सकार है, प्रथमा एक वचन में जो सु प्रत्यय आता है उसका सकार है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर भी लोप होने लगता है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर अस के बाद दंत सकार का लोप होने लगता, लोप होने लगता, ठीक है, लोप होने लगता। सुनो अस के वजह दंत सकार है, दंत सकार के बाद कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, शिव बोलना है, सकार बोलो, उसके बाद कौन सा वर्ण है, दंत सकार के बाद कौन सा वर्ण है, हाँ तालव्य सकार है ना, तो तालव्य सकार हल में आया कि नहीं, सूत्र बोलता हल ही, हल पर में है ही वर्ण, इसलिए अस के वजह दंत सकार है, उसका क्या होता है, लोप हो जाता है, लोप नहीं करना है, इसलिए सूत्रकार ने कह दिया अनय समास से, हो गया ना। फिर अस के वजह दंत सकार है ना, ये तो नए तत्पुरुष समास का है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, तो नहीं होगा तो सकार क्या होगा, रू हो जाएगा, सकार को
औसक के वजह अंत्य सकार है उसको रू हो जाएगा, रू का क्या रहेगा रेप हो, अस आगे बाद उसके बाद रेप हो, रेप हो, रेप हो बनना है ना, आधार हो बोलते हैं आपको हिंदी वाले। इसके बाद सीरो, तो जो रेप है रेप को क्या होगा, रेप को क्या होगा बोले, रेफो को क्या होगा पूछ रहा हूँ, क्यों बोले रेफो को विसर्ग हो जाएगा, फिर विसर्ग हो जाएगा ना किससे, खौरव सानय और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, हो गया विसर्ग करो। विसर्ग हो जाएगा ठीक है नारायण, हाँ। और फिर विसर्ग को सकार भी हो जाता है किससे, विसर्जनीय से सह से सकार भी होता है किसको, हाँ 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 समय कुछ आया, आया क्या आया बोले, विसर्ग को सकार हो जाएगा, हाँ। और बासरी से विसर्ग को विसर्ग भी होता है, क्या होता है बासरी से विसर्ग को विसर्ग होगा और दंत सकार भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दंत सकार भी हो जाएगा कि नहीं होगा, करो विसर्ग की करो दंत सकार भी करो, विसर्ग के भी रहेगा दंत सकार भी रहेगा, अस के बाद विसर्ग और दंत सकार है ठीक है। दंत सकार के बाद कौन सा बनना है, तालव्य सकार है, तो दंत सकार का योग किसके साथ हो रहा है तालव्य सकार, क्या सूत्र लगेगा स्तोष चुना शुहु, दंत सकार को फिर क्या होगा तालव्य सकार हो जाएगा, क्या होगा तालव्य सकार हो करो, इसलिए दो रूप हो जाएगा विसर्ग और तालव्य सकार, अशिव अशिव दो हो जाएगा, पुस्तक में एक दिया है लेकिन दो समझ करके रख लो, हो गया क्या लिखा शंभु, कितना रूप हुए, क्या क्या है और, हाँ हो गया दो रूप, आगे देखो पुस्तक हलिकिम, हलिकिम हल वर्ण न कहते तो, देखो सूत्र में हली ऐसा न कहते तो, सूत्र में हली ऐसा न कहते तो, सूत्र में हली ऐसा न कहते तो, ऐसो अत्र में ओसो ऐसो, देखो पुस्तक में देख के लिखो, ऐसोत्र में भी लग जाता, लग जाता जिससे कि अशुद्ध रूप होता, जिससे कि अशुद्ध रूप होता है ना, हाँ। तो देखो मैं बताता हूँ, एस लिखो, एस आगे दंत सकार प्लस अत्र, प्लस अत्र एस स पूरा है, एस कौन सकार है मूर्धन्य सकार, एस आगे दंत सकार आगे अत्र आगे अत्र, ये ऐसा शब्द है ना किसका है, एतत का है, पुलिंग में ऐसा एतो एते होता है, ऐसा शब्द एतत का है, पुलिंग का है, किसका है एतत शब्द का पुलिंग ऐसा बनता है, ऐसा के बाद क्या है दंत सकार, दंत सकार है सु का सकार, सु का सु मतलब एक वचन ठीक है,
तो ऐसो के बावजूद अंत सकार है, किसका हुआ? यथा शब्द का हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यथा शब्द के बाद क्या है? दंत सकार। दंत सकार किसका है? सु का है। किसका है? सु का है। तो सूत्र में यदि हल ही नहीं कहते, मतलब पर में हल भरना हो ऐसा नहीं कहते, जहाँ पर में हल भरना नहीं है वहाँ पर भी सूत्र लग जाता, समझे कि नहीं? चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर वर्ण हो, चाहे हल वर्ण हो, समझ में कि नहीं? तो पर में हल वर्ण हो वहाँ पर तो करना है, लेकिन पर में हल वर्ण न हो तो वहाँ पर नहीं करना है। यदि करोगे तो अशुद्ध रूप होता है, बात समझे? इसलिए आगे ऐसा, उसके बाद अंत सकार है, उसके बाद क्या है? अत्र। अत्र का ओ है, ओकार हल में आया नहीं? आया नहीं, आया ना? हाँ, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाना है। हल यदि नहीं कहते तो यहाँ पर भी ऐसा के बाद जो दंत सकार है, उस दंत सकार को क्या होने लगता है? लोप होने लगता है, समझ में संभव है ना? हाँ, इसलिए नहीं लग नहीं होगा यहाँ पर होली कहने पर। आगे लिखो, होली ना कहने पर, होली ना कहने पर ऐसा के बाद सकार का लोप होता, लोप होता, ठीक है? किसका लोप हो जाता है? हैं, सकार का लोप यदि कर देंगे तो कितना रहेगा? ऐसा आगे अत्र, ऐसा का अ, अत्र का अ, क्या लग जाएगा? अ का सवर्ण निर्भर, ऐसात्र हो जाता, क्या हो जाता? ऐसात्र हो जाता, समझ में ना? दत्य प्लस अरि में क्या हो रहा है? दत्यारी। ऐसा प्लस अत्र में क्या हो जाए? ऐसात्र हो जाता है, जो कि अशुद्ध है, समझ में ना? हाँ, आगे लिखो। हाँ, तो यहाँ पर सूत्र ना लगे, यहाँ पर सूत्र ना लगे, इसलिए सूत्र में हली कहा गया, सूत्र में हली कहा गया, हो गया भैया? हैं, तो हली कहने पर नहीं लगेगा। आगे लिखो, हली कहने पर नहीं लगेगा, हली कहने पर नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि अत्र का आकार हल में नहीं आया, अत्र का आकार हल में नहीं आया, ठीक है? ये लगेगा हल कहने पर? नहीं लगेगा। हाँ, फिर क्या हुआ? देख रूप ऐसा के बाद दंत सकार है, दंत सकार क्या होगा भैया? गुरु हो जाएगा, क्या होगा? की सूत्र आया स सयुष रु, क्योंकि दंत सकार पदांत है। हाँ, लिखो, दंत सकार के नीचे लकीर बनाओ, लिखो पदांत, क्या लिखना है? पदांत, पदांत लिख लो, ठीक है? आए, पदांत में सु का सकार भी। हाँ, पदांत है, सु का सकार है, ठीक है? सु का सकार है इसलिए तो पदांत हुआ, इसलिए क्या होगा? सयुष रु से रू हो जाएगा, तो रू का क्या रहता है नारायण? रेफ एस, अगली को रेफ एस के बाद रेफ आगे अत्र, एस रेफ आगे प्लस अत्र, आगे क्या है? अत्र, अत्र हो गया, इतना होगा। उसके बाद हाँ, रेफो को विसर्ग होगा क्या? रेफो को विसर्ग प्राप्त है, हैं? क्यों नहीं? हाँ, पर में खर नहीं है, अवसान भी नहीं है, तो रेफो को क्या होगा? ऊ हो जाएगा, रेफो को ऊ हो जाएगा, क्या सूत्र? अतो रोर लुता दपते,
अतर और प्लुताद प्लुते से क्या होगा, उकार हो जाए, किसको रेफ को उकार हो जाएगा, एस उकार, आगे क्या है पत्र लिखो, एस उकार पत्र, इतना हुआ है, एस उकार पत्र, एस का अ आगे क्या है उकार है, तो क्या होगा यहाँ पर गुण हो जाएगा, ऐसा का ओ और आगे उ, तो एसो 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 प्लस क्या है अत्र, अब क्या लगेगा एसो का ओ पदांत है, ओ के नीचे पदांत लिखो, ओ को नीचे क्या लिखना है लकीर बना करके पदांत, हाँ एसो का ओ हो गया पदांत एंग, आगे अकार है क्या लगेगा एंग पदांतात अति, क्या सूत्र उसे क्या होगा पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा तो आगे अ नहीं दिखाई देगा, तो दिया है ना, है ना, एसोत्र हो जाएगा, क्या होगा एसोत्र, वह यहाँ पर है, ऐसा मतलब यह ऐसा का मतलब यह ऐसा, हाँ बालक ऐसोत्र बालक यह बालक ऐसा का मतलब क्या यह यह, हाँ यहाँ पर अतर मतलब यहाँ पर हो गया, एक सूत्र और देख लो, सोचे लोपे चित पाद पूरणम, सोचि लोपे चेत पाद पूरणम, फिर एक बार बोलो, एक दो तीन चार पांच पद उत्तर में पांच हैं, लिखो सह, सह के बाद विसर्ग लिखो, सह लिखा नारायण लिखा सह, इसमें क्या करना है, हाँ ये जो सह दिया है बताता हूँ आपको, इधर देखो इस पन्ने में, इस पन्ने में जो सह इत्यस दिया है ना, क्या कह रहे चीटी इधर आ रही, चलो इसमें दिया है सस इति प्रथमांत अनुकरण लुप्त षष्ट्यंतम, हाँ ऐसा करना है, देखो कर देता क्या करना है, ऐसा करो सस लिखो, स के बाद आधा स, सस लिखती है स, उसके बाद स लिखो सस, ऐसा लिखो, लिख दिया क्या लिखा सस, हो गया ना, इसमें इसको क्या करना है लुप्त षष्ट्यंत, क्या करना है लुप्त षष्ट्यंत, लुप्त षष्ट्यंत शब्द हो जाएगा सस, सस का ही षष्ठी वचन में करना है सस, ऐसा लिखो सस शब्द का, अच्छा पूरा लिखना है तो पूरा लिखो जो बोलता हूँ, दंत सकार क्या है, हाँ दंत, नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, बता रहा हूँ हाँ कैसे आप लोग को बताऊँ, जैसे कि
तत् शब्द का लिखो आगे, पूरा लिख बोल देता हूँ तो अच्छा रहेगा। तत् शब्द का प्रथमा एक वचन में जो सह बनता है, अथवा सस बनता है, सह ना लिखो सस। तत् शब्द का जो प्रथमा एक वचन में जो सस बनता है, स के बाद आधा सस, जो सस बनता है उसका लुप्ता षष्ठी है, सस, उसका लुप्त षष्ठी है सस। घबराओ ना, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा आगे अची, आगे लिखो अची। सप्तमी का एक वचन, अच का अची, लोपे, ये भी सप्तमी एक वचन, लोप का लोपे। चेत प्रथमा एक वचन, चेत। पादपूरणम, अच्छा चेत अव्ययपद है भैया, चेत अव्ययपद है, चेत हो गया अव्ययपद। पादपूरणम प्रथमा एक वचन, पादपूरणम हो गया। अच्छा ये सूत्र विधि सूत्र है, लोप का विधि कर, लोप विधि करेगा, जैसे पूर्व सूत्र है लोप विधि, ये भी लोप विधि करेगा, लोप करेगा, है ना। कैसे होगा बताते हैं आपको, वृत्ति देखो। स इत्यस्य, स्वर लोप स्यात्, अचि पादश्चेद लोपे, लोपे सति एव पूर्यत। सोर लोपस्य, बोलो, पादश्चेद लोपे सति एव पूर्यत, देखो अर्थ लिख ले, अर्थ लिख लो भैया, लिखो जल्दी। तत् शब्द का, पुल्लिंग में, प्रथमा एक वचन में, सस बनता है, सस लिखा है, स के बाद आधा सस, जो सस बनता है, ठीक है, उस अंतिम सु के सकार का, अंतिम सु प्रत्यय के सकार का, लोप हो, अच वर्ण परे रहते, आगे लिखो। परंतु लोप करने पर, श्लोक में पाद की पूर्ति होती हो तो, पाद की पूर्ति होती हो तो, ठीक है,
हाँ देखो पंक्ति में जो वृत्ति लिखी है ना, वृत्ति जो पुस्तक में, स इत्यस्य मतलब क्या हुआ, तत्शब्द का प्रथमा उच्चारण सस हुआ, अंतिम में जो सु का सकार है, सस में जो अंतिम सकार है ना वो सु का सकार है, इत्यस्य स्वर लोप देखो लिख दिया ना, स्वर लोप मतलब सु के सकार का लोप हो, साधन हो। अची अची का मतलब आज वर्ण परे रहते। आगे लिखा है पादश्चे चेत का मतलब यदि, यदि लोपे सत्येव, और ना देखो लोपे सत्येव हैं, लोप होने पर ही हैं, लोप होने पर देखो सुनो लोपे सत्य मतलब लोप होने पर हैं, तो पाद पूर्यते एव ऐसा लिखा है, पाद पूर्यते एव पाद की पूर्ति होती हो तो, पाद की पूर्ति अवश्य होती हो तो, एव का मतलब अवश्य, अब पाद की पूर्ति हो ना होती हो तो लोप नहीं करने है। कैसे हाँ अभी बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ। ये जो दिया है नारायण देखो, ये एक किसी पात का दिया है यहाँ पर, सही स दासरथी राम, उसको पहले लो, सही स दासरथी राम हाँ पढ़ो, तो सही स दासरथी राम में क्या है आपको बताता हूँ, सस एस न बोलो, सस एस दासरथी राम ऐसा है, नोट पर लिखो, सस सस एस दासरथी राम इतना हुआ। ये सस का स है आगे, सस है कि नहीं, सस में दंत सकार है, आगे क्या है एस, आगे एस हाँ। अब देखो ये जो सस है यहाँ पर स्वर वर्ण गिनना है, क्या गिनना है स्वर वर्ण, तो सस में एक स्वर हो गया अ, और एस में कितने हैं, दो नहीं है क्या, एस स्वर को गिना जाता है श्लोक में हाँ, तो है क्या है ए और दो हो ना, तो तीन हो गया। देखो दासरथी में कितने है, चार गिन रहे हो, चार तीन सात, और आगे रामों में कितने है, दो है ना स्वर बनना, दो है कि नहीं, कुल मिला कितना है ना हो गया कि नहीं, तो अनुष्टुप छंद में आठ होना चाहिए, क्या होना चाहिए आठ होना चाहिए, तो एक ज़्यादा हो गया कि नहीं, क्या हो गया एक ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर ये लोप कर देंगे तो एक वर्ण कम हो जाएगा, तो आठ हो जाएगा, आठ होने जो है पात की पूर्ति हो जाएगी। कैसे सुनो जल्दी, तो सस का स है कि नहीं, ये सस का स क्या सु का सकार है ना, आगे ए स का ए है, अच है कि नहीं, अच है ना, देखो घट रहा है कि नहीं हैं, तो लोप कर दिया हमने, किसका लोप कर दिया, सस के सकार का लोप कर दिया, लोप करो, लोप कर दिया हैं, लोप कर दिया तो कितना रहा स रहा, स का अ और एस का ए, क्या हुआ नहीं समझ में आया, सस के सकार को लोप कर दिया ना, अरे अगला वाला सकार है, सस में जो अंतिम सकार है उसका लोप कर दिया, तो कितना रहा लोप करने पर पूर्व में, और आगे नहीं स, स मतलब स आगे एस, तो स का अ है एस का ए है, अच है कि नहीं पर में, अच है ना, तब तो लोप किया, तो स का अ एस का ए क्या हो गया वृद्धि, क्या सूत्र है वृद्धिरेचि, तो वृद्धिरेचि करने पर ऐ हो गया, क्या हो गया ऐ हो गया ना, देखो अब गिनो, अब गिनो कितना हुआ, सही सौ में कितने हैं दो, दासरथी में चार, चार दो छः, रामा में दो, छः दो आठ, पात की पूर्ति हो गई हाँ ये बोल रहे हैं।
समझ में शंभु। हाँ तो पाद की पूर्ति होती हो तब लोभ करना, हाँ ऐसे लोभ नहीं करना, बोल दिया हो गया। अब पहला देख लो, पहला है लिखो, पहले लिख लो, नोट पर लिख लो। ये जो आपके पुस्तक में दिया है ये तो आधा दिया है, पूरा नहीं दिया है, तो मैं बोलता हूँ आपको पूरा लिखो। सस ये टिप्पणी में दिया है ना, देखो दो नंबर में दिया है ना, स दो नंबर टिप्पणी में, ससु इमाम अविद्धि, इमाम विद्धि दिया है, इमाम विद्धि आगे लिख दो। इतना लिखने के बाद इतना लिखो, स सु प्लस इमाम विद्धि, इमाम विद्धि देख कर लिखो। उसके बाद लिखे प्रभृतिम, प्रभृतिम प्रभृति के बाद अनुसार, प्रभृतिन य य ई सी से, ई सी से वहाँ कहाँ लिखा है वो कालीचरण महाराज देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो ना। प्रभृतिम ती में अनुसार है, प्रभृतिन य उसके बाद ई सी से, ई सी से लिख दिया जल्दी, हाँ लिख दिया हो गया ना। अब गिनो देखो, स्वर वर्ण देखो, सस में एक, हाँ ई दो, माँ तीन, गिन रहे हो, माँ में अ कहाँ तुम लोग गिनते नहीं क्यों होते शंभु। सस में एक, ई में दो, माँ में तीन, माँ चार, बी पाँच, ढी छ, छ हुए आप प्रभृति में नौ, छ तीन नौ गिन रहे हो, हाँ और य में एक कितना है बोलते क्यों नहीं भाई, कितना हुआ ये भगवान स्वयं गिन लेना ही उचित है, हाँ नौ, कहाँ तक नौ हुआ, हाँ द य, अरे भाई य में ओ एक है, य य हाँ य है भाई, य में ओ है कितने है, ई में एक आधा, अरे भाई य और अ यकार है आगे ओ है, य बोल रहा हूँ ना मैं आपको, कितने हैं एक, और इसी से में तीन है, कितना हुआ मिला करके हैं कुल मिला कितना हुआ बोलो, तेरह हुआ, तेरह हुआ, बारह होना चाहिए, कितना होना चाहिए बारह होना चाहिए, एक ज़्यादा हो गया, एक क्या हो गया ज़्यादा, लेकिन एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा। कैसे देखो ये सस उसके बाद क्या है इमाम का ई, ये सस में जो स है अंतिम उसका लोप कर दो, लोप करो जल्दी, अरे सस में अंतिम सकार का उसका लोप कर दिया तो कितना रहा स उसके बाद इमा का ई, तो स का अ इमा का ई क्या लगेगा सुन रहे हो, स का अ इमा का ई क्या लगेगा आध गुणों, आध गुणों से ए हो जाएगा तो क्या बन जाएगा से हो गया ना, तो ए कम हो गया कि नहीं है, तो स का अ और इमा का ई दो अलग अलग था कि नहीं है, हाँ आप जोड़ दिया तो ए ए हो गया गुण हो गया, तो कितना हो गया भैया बारह हो गया कि नहीं, तो बारह होने पर पाद की पूर्ति हो गई, पाद की पूर्ति शायद ये जगत ही छंद है, तो एक हो गया ठीक है। तो पाद की पूर्ति हो गई है, तो ये आपका इति विसर्ग संधि ही बोलो।
हाँ ये विसर्ग संधि हो गई। इति पंचसंधि प्रकरणम, क्या कह रहे हैं भैया शुक्ला जी, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। तो नहीं वो नहीं 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 सुने सुने, ये जो लोप कर रहा है, नहीं 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 सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ये लोप यहाँ पर होगा यदि प्रथमा एक वचन सॉस होना चाहिए ना, तत् शब्द में होगा केवल। क्या पर होगा? तत् शब्द में जो सॉस होता है ना, वो सॉस के जो अंतिम सकार उसका लोप होगा, सबका सकार का लोप नहीं होगा, केवल तत् शब्द के लिए बोल नहीं, अन्य पर नहीं होगा, ठीक है। हाँ और यहाँ पर य का अ है, इसी से का ई है, यहाँ पर गुण भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होता है, क्योंकि लोप साकल्य है ना, उसे लोप हुआ है, हैं इसलिए यहाँ पर आदिगुण नहीं लगता, आदिगुण असिद्ध हो जाता है, ये आदिगुणों के प्रति लोप साकल्य से असिद्ध होता है ना। तो जो पूछना फिर कल पूछेगा। इति पसंधि प्रकरणम, पंच संधि। अरे भाई देखो आप लोग तीन संधि पढ़े हो ना, तो पंच संधि कैसे हुई? हाँ देखो पंच संधि हुई नहीं, तो आपने तीन संधि पढ़े हो, हैं कैसे हुआ? असंधि, हाल संधि और क्या है विसर्ग संधि, कितना हुआ? तीन संधि है, पांच संधि, पंच संधि कैसे हुई? इसमें दिया है ना, ये तीन नंबर टिप्पणी में दिया है, सुन लो मैं बताता हूँ। तो तीन संधि तो आप जानते हो, असंधि, हल संधि और क्या है विसर्ग। चौथा एक संधि है स्वादि संधि, क्या है? स्वादि संधि, क्या संधि है? स्वादि मतलब क्या है? सु के सकार को जो संधि हुई, क्या है? सु के सकार को, जैसे ससरु है ना, बासरी, ये सब सु के जगह पर हुआ कि नहीं हुआ है ना, उसको क्या कहते हैं? स्वादि संधि। क्या कहते हैं? कितना है? चार हो गए, ठीक है। हाँ तो चार हो गए। फिर पांचवी संधि क्या है? फिर पांचवी संधि होती है अनुस्वार संधि, क्या है? अनुस्वार संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कुछ लोग प्रकृति भाव भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकृति भाव हुआ कि नहीं पहले? क्या नहीं हुआ प्रकृति भाव? तुरते प्रक्रिया अचिनित्यम, लेकिन प्रकृति भाव में तो कोई संधि होती नहीं है, शब्द जैसा होता है ऐसे ही होता है, कोई अंतर तो होता नहीं, इसलिए सब लोग प्रकृति भाव को संधि नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? अनुस्वार संधि, क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार है ना, अनुस्वार से ही परसवर्ण, परसवर्ण हुआ कि नहीं हुआ है, इसलिए पांच संधि हो गई। क्या क्या हो गई बोलो? असंधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और क्या है? हैं स्वादि संधि और अनुस्वार संधि, ऐसा मानते हैं। सुनते हो क्या? हाँ लेकिन सुनो, हैं सहमत हो गया, जल्दी बता देते हैं। जैसे हल संधि मतलब क्या? हल के जगह पर, हल के जगह पर जो संधि होगी उसको क्या बोलोगे? हल संधि। तो स्वादि में जो सकार है वो भी तो हल में आया, फिर उसको अलग क्यों कहा? देखो इसको बोलते हैं गो बलिवर्धन न्याय, क्या बोलते हैं? गो बलिवर्धन न्याय। बलिवर्धन मतलब क्या? नंदी बैल। बलिवर्धन का क्या अर्थ होता है? नंदी बैल है, वो भी गो जाति में ही है, जो दूध देने वाली गो है वो भी तो गो जाति में है, और बैल भी क्या है? वो भी गो जाति में है, गो तो जाति दोनों में है, फिर भी नंदी विशेष है। नंदी क्या है? विशेष है। तुम्हारे गौशाला में कितने गौ है पूछते ना, तो गौशाला में कितने गौ है? 20 गौ है, क्या बोल दिया? 20 गौ है। हाँ दो नंदी है,
इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, नंदी विशेष हुआ। हाँ, पहले सामान्य को बता करके फिर विशेष को बताना है, उसको बोलते हैं गो बलि वर्ग न्याय। समझ में आया? ठीक है। इस बार हॉल शांति कहने से तो कोई भी आ गया है ना, स्वादी भी आ गया है, लेकिन स्वादी कहने से वो विशेष हुआ। हॉल संधि के अंतर्गत होने पर भी स्वादी संधि कहने से क्या हुआ? विशेष हो गया। इसको अनुसार भी हॉल के अंतर्गत है, अनुसार संधि जो है, फिर भी वो क्या है? फिर भी वो विशेष हो गया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कहते हैं हो गया। ओ मृतावसाने नटराज राजो।